छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। अरे जल्दी करो भाई, पूजा कर रहे हो कि तपस्या कर रहे हो? और भी लोग खड़े हैं बाहर, जल्दी करो। क्या हुआ भगवान दास? अरे शिवाय देखो ना, नारियल, लाल कपड़ा और सिंदूर चढ़ाना है हनुमान जी पर, और भाई साहब बाहर ही नहीं निकल रहे कब से। लाओ मुझे दे दो, वैसे भी नारियल खाए हुए बहुत दिन हो गए भगवान दास। नहीं नहीं, ये हनुमान जी का है, बॉबी ने मन्नत मांगी थी उनका ही है। हाँ ये भी सही है भाई, हर भगवान का एक चढ़ावा होता है। अब लाल कपड़ा, लाल सिंदूर, इस पे तो हनुमान जी का कॉपीराइट है। नहीं अरे ओ, अरे मंदिर में ही बसने का इरादा है क्या? थैंक गॉड। जी बोलिए। क्या परेशानी थी, क्यों चिल्ला रहे थे? मैं चिल्ला नहीं रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आप जल्दी कीजिए। ऐसे पूजा होती है क्या? भाई साहब आप मुझे बताएंगे पूजा कैसे होती है? जी मैं सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आधा घंटा मैं लेट हो गया ऑफिस में, मालूम है आपको? लेट हो रहे तो मैं क्या करूँ, मैं अपनी पूजा कर रहा था वहाँ पर। देखिए आप फिर बदतमीजी कर रहे हैं ऊपर से। बदतमीजी आप कर रहे थे, आधे घंटे से यहाँ पर रेंक रहे थे। रेंक रहे, तुमने मुझे गधा समझा क्या? लगते तो बिल्कुल वैसे ही हो, दिमाग खराब है इसका। छोड़ दो भगवान दास, तुमसे तगड़ा आदमी। अरे जान दो, बहुत देखा है तगड़े आदमी। मैं अखाड़े में गया हूँ, बड़े बड़े पहलवानों को ऐसे पलट दिया हूँ, मैं उलट उलट दिया हूँ ऐसे। अच्छा हाँ, हमें भी उलट के दिखा। अरे हटो यार तुम। नहीं, अरे अब तो तुम हमें पटक के ही दिखाने। देखो तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। बढ़ गए। अरे गुस्सा मत दिलाओ मुझे। लो गुस्सा भी दिला दिया। देखो मेरे हाथ में ना प्रसाद है, मैं अभी प्रसाद अब तुम भगवान को तभी चढ़ाओगे जब हमें यूं पलट कर दिखाओगे। चलो। अरे छोड़ो, मैं एक मुक्का खाओगे तुम्हारा दिमाग। हेलो, यस सर, यस सर, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। यस सर। रॉकी सुनो, ये मुक्का उधार रहा, लेकिन अगली बार जहां मिले उधार चुका दूंगा। तुम ठीक तो हो भगवान दास? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, आप पूछ रहे हो हालचाल, उस वक्त रोक नहीं सकते थे यार। अरे मैं कैसे रोकता मेरे भाई, वो बजरंग बली का भक्त है, टेक्निकली तो उसे बजरंग बली ही रोक सकते थे। सबके सामने बेइज्जती करके चला गया यार। दुखी मत हो भगवान दास, ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों ने देखा है कि वो तुमसे तगड़ा आदमी था। तुम शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। यार तुम एक बात बताओ, तुम मेरे साथ हो कि उसके साथ हो? मैं तो सबके साथ हूँ भगवान दास। हाँ पर गलती तुम्हारी ही थी। क्या है कि जब हम किसी से लड़ते हैं ना, तो हमें सामने वाले की ताकत को देख लेना चाहिए। थैंक यू फॉर योर सजेशन शिवाय, बट आई हैव नो टाइम फॉर न्यू सजेशन बिकॉज आई एम लेट। आज थोड़ी कम डांट पड़ेगी। वैधानिक चेतावनी, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने से ताकतवर मनुष्य से कभी पंगा ना ले, शत प्रतिशत हानि होने की संभावना है। रॉकी तू यहाँ कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हद आदमी है। अरे जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तू क्यों कर रहा है? तू यहाँ कैसे? तू होता कौन है सवाल करने वाला, पहले तो ये बता। पागल हो गया तू? अबे पागल है, हाथ तो लगा के दिखा, छोडूंगा लगा दिया। पागल हो गया क्या तू? मेरे से मैं देख लूंगा। अरे छोड़ बाबू बेटा, अरे हटा जा, दिमाग खराब। रॉकी ये मेरे पति है, छोड़ो। अरे आप भी छोड़िए। क्या ये बजरंगबली, ये मुझसे क्या गलती हो गई? सर 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 सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। नो नो नो, बट प्लीज टेल मी हु इज ही। अरे ये मेरा दोस्त है रॉकी। रॉकी? अरे रॉकी तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो?
अरे गलती तो भंगू की है, इसने पहले हमला किया तुम्हारे ऊपर। पापा जी वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो कभी अपनी पत्नी के दोस्त पे हमला नहीं करते। हाँ लेकिन खन्ना साहब की बीवी का दोस्त खन्ना साहब को बीच रोड पर मारता तो नहीं, पीटता तो नहीं। क्या आप रॉकी से पिट गए? नहीं 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 नहीं, कॉलर ऐसे ऐसे कॉलर पकड़ा इन्होंने, ऐसे धक्का दिया ऐसे। बस बस हमने हाथ उठाया इस पे? हमने दोनों ने, लेकिन मारा नहीं किसी ने भी। लेकिन ये तुम्हारे दोस्त कैसे हुए? 17-18 सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नेवर सीन हिम बिफोर। अरे ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, रॉकी, बॉक्सर है, अभी यहाँ पे बॉक्सिंग सिखाने का आया है। अच्छा अच्छा पापा जी इस उम्र में? अरे भगू बेटा मुझे नहीं, इस घर में नहीं, बॉक्सिंग एसोसिएशन में। बेवकूफ पापा जी, व्हाट आर यू, मेरी पत्नी के दोस्त के सामने यू आर इंसल्टिंग मी, इट्स क्राइम, क्राइम। सर सर क्राइम तो मुझसे हुआ है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अनजाने में आपका अपमान कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी। मुझे सब लोग बोलते हैं कि इतना गुस्सा मत किया कर, मुझे गुस्से पे काबू ही नहीं रहता, देखिए ना कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो बाबी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। आई मीन मैंने भी तो बदतमीजी की थी ना। नहीं नहीं सर, आपने कोई बदतमीजी नहीं की थी। नहीं नहीं की थी मैंने। नहीं नहीं सर, कोई बदतमीजी नहीं की थी। नहीं गलती मेरी भी थी। नहीं गलती मेरी थी सर। नहीं मैंने उकसाया, देखिए मुझे वहां पर इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। आप तो पूजा कर रहे थे। पूजा करा था लेकिन मंदिर खरीद थोड़ी लिया था मैंने, मंदिर मेरा अकेले का। चुप, आप एक बार अपने मुंह से कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। बोल दिया, हो गया। थैंक यू सो मच चौबे जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे। बॉबी तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे हस्बैंड मिले। चलिए अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ मतलब कैसे, अभी तो आए हो यार। सर आज तो बस मैं ऐसे मिलने के लिए आया था, अब तो इसी शहर में हूँ, आता जाता रहूंगा। वो दरअसल क्या है कि बॉक्सिंग एसोसिएशन वालों ने मुझे ना सिर्फ बाइक दी है बल्कि रहने का ठिकाना भी दे दिया। नो नेवर, आई मीन एवर, हमारे घर में ऐसा कभी हुआ नहीं। जो मेहमान हमारे घर में आता है वो भगवान का रूप होता है, और तुम तो बॉबी के दोस्त हो भाई, तो हमारे भी दोस्त हुए। हाँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, अगर कानपुर में रहोगे तो इसी घर में रहोगे, वरना नहीं रहोगे। That's all. Am I wrong? हाँ बिल्कुल ठीक कर। पर भगवान इस घर में जगह कहाँ है? बच्चों का कमरा है। हाँ? उसे छेड़ेंगे नहीं, वैसे ही रहने दो। आपका कमरा है? हाँ है। और आप बैठक में सो सकते हैं। वही तो, रॉकी चलो तुम्हारा सामान लेकर जल्दी से आ जाओ। हाँ आप लोग तो तकल्लुफ में पड़ गए, अच्छा नहीं लगता। अपना ही घर समझो। चलो ठीक है, फिर समझ ही लेता हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है चौबे जी, अभी तो फिर भी मुझे जाना पड़ेगा, वो क्या है कि एसोसिएशन में हाजिरी तो लगानी पड़ेगी। मैं शाम को अपना सामान लेकर डिनर टाइम तक तो आ ही जाऊंगा। ओके सर, बाय बाय। चलो बाय, खुश हो बेटा। मम्मी रोटी दो ना, मम्मी जल्दी रोटी दो ना। अरे लाई बेटा, ला 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 ला। लो भाई बच्चों, बढ़ता शरीर है, कितना भी खाओ कम है। मैं और लाती हूँ। हाँ हाँ लाओ। रॉकी अंकल मुझे भी आपके जैसी बॉडी बनानी है। बबलू पहलवान, उसके लिए पहले डट के खाना पड़ेगा। खाओ खाओ, बातें मत करो। ये लो गर्मा गर्म। बस भाई मेरा तो हो गया। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, अभी तुमने खाया ही क्या है, 8-10 रोटियां और लो ना। अरे नहीं नहीं अंकल जी, बस वैसे भी मैं रात को ना थोड़ा लाइट ही खाता हूँ। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी। एक्सक्यूज मी, मुझे भी एक कॉल करना है। अरे बहू बेटा हाइट तो दिखती है, डाइट के बारे में भी पता कर लिया होता ना, वो भी बताया होता। कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी, मेहमान भगवान का रूप होता है, खाने के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ठीक है खा लिया, अब उसने खा लिया ना, अब हम खा लेंगे। ठीक है बॉबी। क्या खा लेते हैं, आटा तो खत्म हो गया। तो क्या हुआ, और गूंथ लो। अरे गूंथने की बात नहीं है, लेकिन घर में ही आटा खत्म हो गया। अरे तो अब मैं क्या खाऊंगा। ठीक है पापा जी, कोई बात नहीं है, कुछ और खा लेंगे, ब्रेड दूध के साथ या कुछ भी। मैं क्यों खाऊं दूध ब्रेड, कुत्ता हूं क्या। अरे ताऊ जी भी तो खाते हैं। बहू बेटा नहीं मतलब मेरा मतलब ये है कि इंसान भी तो दूध ब्रेड खाते हैं ना पापा जी। खन्ना साहब के पापा जी को देखिए, वो तो हर रोज सुबह दूध ब्रेड ही खाते हैं। देखो खन्ना साहब के पापा जी क्या खाते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं दूध ब्रेड नहीं खाऊंगा बस। अरे पापा जी सुनिए। पापा जी मुझे भी नहीं खाना। अरे पापा जी मैं आपको भोला राम की चाट खिला कर आता हूँ, एक मिनट रुकिए। अरे सुनिए, मेरे लिए भी लाइएगा। आ ये भी।
आहिस्ता आहिस्ता बेटा आहिस्ता। अरे मैं टूट जाऊंगा बेटा। अरे कुछ नहीं होगा अंकल जी, बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर ठंड में आप रोज ऐसे गर्म तेल से मालिश कराओगे ना तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। अरे बेटा मुझे बड़ा डर लगता है कहीं मैं ठंडा रह जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर आप ऐसी अपने पैरों की मालिश भी कराओगे ना तो देखना आपका जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अरे बेटा घुटने रहेंगे तब ना। रॉके बबली बेटे इसको ना जब करते हैं तो अपनी नीज को स्ट्रेट रख, ये नीज बेंड नहीं होंगी ये। हाँ ओके करो। अंकल आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। थैंक यू बेटा। चलो चलो करो करो। हाँ भाई बबलू पहलवान आ जरा देखे तेरे में कितना दम आ गया। हाँ चला पंजा लगाते। अरे 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 क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं अंकल जी, ये डीप टिश्यू मसाज है। यार जीत गया जीत गया। हाँ यार तू जीत गया, लेकिन एक बात सोच, अगर एक दिन एक्सरसाइज करके तेरे में इतनी ताकत आ सकती है तो अगर हर रोज करेगा तो क्या होगा? आपसे भी तगड़ा हो जाऊंगा। हाँ मुझसे भी तगड़ा हो जाएगा। कितना अच्छा इंसान है ना रॉकी। दोस्त किसका है? तुम्हारा है बॉबी, पर अब हमारा है भाई। तो अरे जाइए वरना ऑफिस जाने को लेट हो जाएंगे फिर से। अरे कोई बात नहीं, रूटीन है। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी भी स्टीम लेने के बाद ऐसे खुले मुंह नहीं घूमते पूरे घर में। एक आप हैं। अरे वाह कैसे आप? नहीं नहीं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अरे क्या परेशान हो शिवाय? हेलो मैं तुम्हारे कारण परेशान हूँ भगवान दास। मेरे कारण? अरे तुम कैसे आदमी हो? एक आदमी सरेआम तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुमसे झगड़ा करता है, तुम्हारा अपमान करता है और तुम उसे अपने ही घर में बैठाकर उसकी खातिरदारी कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग शिवाय। देखो ऐसा है कि ही इज नाइस पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है वो, पर उसने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की, तुमसे झगड़ा किया। झगड़ा किया लेकिन झगड़े की जड़ क्या थी? मैंने मिसबिहेव किया, मतलब गलती मेरी थी ना। तुम्हें मालूम है वो बॉबी का दोस्त निकला। वो तुम्हारी पत्नी का दोस्त है? हाँ? तुम्हें इस बात से जलन नहीं होती? मुझे जलन क्यों होगी शिवाय? वाह नौटंकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान दास, तुम्हारी शक्ल पर साफ लिखा है। अरे वो तो मेरी शक्ल ही ऐसी है शिवाय, क्या करूं, हम सब लोग रॉकी जैसे हैंडसम थोड़ी होते हैं भाई। समझ गया मैं भगवान दास, यही की जो तुम बोल रहे हो वही तुम्हारी अंतरात्मा बोल रही है। हाँ बिल्कुल। यू हैव एनी डाउट? आई मीन तुम्हें यकीन नहीं है? पूरा यकीन है भगवान दास, इसीलिए तो गर्व से कहता हूँ कि तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। रॉकी से भी सुंदर? आई मीन उसकी हाइट और बॉडी। यार एक बात बताओ भगवान दास, तुम्हें उसमें क्या पसंद है? उसका व्यवहार, नेचर उसका, ही इज नाइस पर्सन। और यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत है तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारा भोलापन, बस इसे मत खोने देना। मैं क्यों खोऊंगा शिवाय? मुझे सब दिखता है भाई, मैं अंधा थोड़ी हूँ। मैं भगवान दास हूँ तो भगवान दास ही रहूंगा, सूरदास थोड़ी हो जाऊंगा। और वैसे भी वक्त ठीक है, आज मैं सही समय पर चला जाता हूँ ऑफिस, आज मैं चलता हूँ शिवाय। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ मैं बदलूंगा नहीं, ऐसे ही रहूंगा। देखते हैं भगवान दास। वैसे अक्सर मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं बदलते, परिस्थितियां उन्हें बदलने पर विवश कर देती। अब देखना यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम क्या करते हो भगवान दास। तुम ही बोल दो आ गए हम। अरे बहू बेटा देखो कौन आया है, बेबी आई है गोबर के साथ। गोबरधन गोबरधन चाचा जी गोबरधन। देखो बेटा हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि धन हमारे पास है नहीं, अब गोबर है। चुके होगे ना रॉकी, और ये मेरे जीजा हैं। गोबरधन तुम्हें, गोबरधन तुम्हें। और जीजा ये रॉकी है, वैसे इसका नाम राकेश है लेकिन कॉलेज से हम इसे रॉकी ही कहते हैं। यही तो कॉलेज में हम सिर्फ दोस्त थे। ऐसा है, कानपुर के दरोगा हैं। बहुत रंगबाजी है हमारी यहाँ पे। वही तो जी, वो तो आपको देखकर ही लगता है काफी समय से जमे हुए हैं अपनी कुर्सी पे। 15 साल। हाँ वो तो आपकी फिजिक देखकर ही लग रहा है, वरना ऐसी फिजिक के साथ आजकल तो कोई पुलिस में भर्ती नहीं करता। अरे रॉकी बेटा
अब तो हालत ये है कि कोई चोर अगर इनकी पॉकेट मार ले ना तो ये वहीं खड़े खड़े चिल्लाएंगे चोर चोर, दौड़ के पकड़ भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है। अरे शादी से पहले हमारी भी बॉडी तुम्हारी तरह थी राकेश। कसम ऋषि कपूर की, झूठे कही के शादी में भी तो इतना बड़ा मटुका लेके आए थे। अरे शादी से पहले की बात है। अच्छा। और ऐसी बॉडी थी कि किसी को उठवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही उठा लेते थे। कसम मिथुन चक्रवर्ती की, आपको पता है रॉकी बॉक्सर था। बॉक्सर था नहीं, बॉक्सर है अभी भी। यहाँ पर बॉक्सरों को ट्रेनिंग देने आया है, तभी तो इतना फिट है। अरे बहू बेटा बातें करती रहोगी, कुछ पकौड़े वकोड़े बनाओगी, देखो गोबर का मटका अप्रसन्न हो रहा होगा। अभी बनाती हूँ पापा जी। अरे नहीं नहीं, हम डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग? और आप कब से? हाँ अब देखो गोबर तो खाएगा नहीं, तो कम से कम हम लोगों के लिए तो बनाओ पकौड़े। जी पापा जी। अरे अरे बॉबी बॉबी देखो भाई ऐसा नहीं है, अब चाचा जी इतना जोर दे रहे हैं तो एक दो पकौड़ा तो हम भी खा लेंगे। ठीक है चीचा, अभी लाते हैं। अच्छा बॉबी बेबी, आप लोग पकौड़ों का आनंद लो, मैं काम पर चलता। अरे अरे ऐसे कैसे, इतने सालों बाद मिले हो, हमारे साथ पकौड़े वकोड़े खाओ, हम कॉलेज की बातें करेंगे। अरे पर अब तो मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, तो फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे और फिर कॉलेज के दिनों को याद करेंगे। ट्रेनिंग सेंटर के लिए देर हो रही है। ओके। अच्छा सर, नाइस मीटिंग यू। नमस्कार। नमस्कार जी। ओके। सुनो ऐसा है, देखने में ही हट्टा कट्टा है, देखा नहीं जब आए थे और ऐसा हाथ मिलाया हमने उससे कि शक्ल उसकी देखने लायक थी। रहने दीजिए जीजा, हाथ मिलाते वक्त हमने देखी थी दोनों की शक्लें कैसी थी। आप भी ना। अच्छा आप लोग शांति से अंदर बैठिए, मैं चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ, ठीक है? मैं भी हेल्प करती हूँ। अच्छा सकल क्या देख रहा है बे? तेरा माल जाएगा तो हमारे टेम्पो में ही जाएगा, समझा? जोर जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, इस इलाके में आप केवल भग्गू दादा के ही टेम्पो चलेंगे और किसी के नहीं। भगवान दास चौबे गुंडे होप से बन गए। कौन भगवान दास चौबे बे? भाग सिंह तोमर नाम है उनका। देखो भाई हमें अपना माल नहीं है भेजना। अरे 2000 रुपए बहुत ज्यादा होता है भाई। तो दुकान में माल पड़े पड़े सड़ जाएगा तेरा। ए भाई साहब, अगर ये बाइक आपकी है तो प्लीज हटा लीजिए ना, मुझे जाना है। अरे रुक जा भाई, देख नहीं रहा काम की बात चल रही है? अरे भाई आप काम की बात करते रहिए ना, पर मुझे भी तो काम से जाना है, प्लीज हटा लीजिए। तो उड़ के चला जा। अंदर मोटे, इस इलाके में आप हमारे ही टेम्पो चलेंगे। भैया लेकिन पहले बार 700 रुपया में माल ले जाता था। अरे भैया भैया हम कुछ नहीं। अरे यार अजीब गुंडागर्दी है, जब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इन्हें आपका टेम्पो इस्तेमाल नहीं करना है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तू अपना काम करना। हाथ लगाता है। और भी लड़ना चाहते हो कि बन भर गया? बोलो। बस हाँ तो चलो फिर, अभी शरीफ आदमियों की तरह माफी मांगो। अरे आप नहीं, तुम दोनों माफी मांगो, चलो माफी मांगो। चलो अब ये बेंच उठा के इसकी जगह पे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ, चलो अपना बाइक लेके भाग जाओ यहाँ से। सुन बे भग्गू दादा के आदमियों पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया तूने, देख लेना। अबे जा जा, भग्गू दादा हो या जग्गू दादा, दोबारा कभी नजर आए ना तो भगा भगा के मारूंगा, भाग यहाँ से, चल। थैंक यू भैया, आपने उन गुंडों से हमें बचा लिया, बहुत बहादुर हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना ध्यान रखिए। ओके। ये सलाद तो आपने लिखी। पर मुझे एक बात बताओ यार, क्या ये इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? घर पे बैठते आराम से बढ़िया खाना बनाते खाते। वही तो, अरे मैं घर पे तुम्हारी पसंद की टिंडी और कद्दू बना देती। याद मत दिलाओ। बस 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 एक मिनट यार, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, ये जो इतनी अच्छी बॉडी बनी है क्या टिंडे लौकी कद्दू यही खाकर बनी? रॉकी की बॉडी कॉलेज टाइम से ऐसी है। अच्छा? और वो तो कॉलेज टाइम से टिंडी लौकी कद्दू बीटी सब कुछ खाता था, वो भी भर भर के। ये रोटी कितनी नरम है। अरे भैया सुनो, 2 कड़क रोटी लाना। यार कैसे कैसे लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। पहली बार आई होगी, ढाबे पर खाना खाने की आदत होगी इसको। ओ भाई साहब आप अपना खाना खाइए ना आराम से, आप बेकार में बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? भाई साहब तमीज अपनी बीवी को सिखाइए, ऐसे रेस्टोरेंट में गवारों की तरह कोई चिल्लाता है क्या? भैया 2 रोटी लाना,
और भी कड़क वाली। देखिए भाई साहब, आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे और भी तो लोग हैं भाई साहब यहाँ पे, देखिए इन्हें रेस्टोरेंट में आने की अगर एडिकेट्स नहीं है तो इन्हें घर छोड़ के आया करिए। अरे आप कौन होते हैं समझा? समझाने वाले के घर छोड़ कर आइए कि नहीं भाई साहब? यस। जरा फेस इधर करेंगे, बोलिए। अरे रॉकी, रॉकी क्या कर रहे हो? आपकी पत्नी का अपमान किया। आई नो, बॉबी का अपमान किया और आप इन्हें समझा रहे हैं। इन जैसे जानवरों को ना सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। और तू पूछता हाथ कैसे लगा? बस बस प्लीज, बस प्लीज बैठो। इंसान है, गलती हो जाती है, मैं जानता हूँ। ऐसी बदतमीजी की वैसे ऐसी सजा होनी चाहिए। हमेशा तुम्हें बताकर समझाने वाले नहीं मिलेंगे, पता है? जी भाई साहब। लाल हो गया ये, इधर डॉक्टर भार्गव है बगल में, तो वहां जाइए दिखा दीजिए। रॉकी ने तो कमाल ही कर दिया। कसम कमल अमरोही जी की, क्या किया रॉकी ने? अरे कुछ लफंगे मुझे छेड़ रहे थे तो रॉकी ने जम कर पिटाई की है उनकी। इसमें कमाल क्या किया है, कानून हाथ में ले रहा है भाई। He's right. अरे मार मार के मुंह सुजा दिया बेचारों का, कोई बात है? ये रंगबाजी यहाँ नहीं चलेगी, उठवा लेंगे उसको, यूं उठवा लेंगे। अरे रहने दो गोबर, एक तो वो बेचारा बहु बेटियों के लिए लड़ रहा था और तुम कह रहे हो उठवा देंगे। वही तो, यही तो। अरे जो काम इनको करना चाहिए था ना वो रॉकी ने किया है। वो भी महात्मा गांधी ने कहा है। Come to the point. अरे हिंसा करने की क्या जरूरत थी? अब समझाया भी तो जा सकता था आराम से, प्यार से। ऐसे मारने की क्या जरूरत थी बताओ? कोशिश तो की थी ना आपने समझाने की। ऐसा है, पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए था भाई। पुलिस है काहे के लिए? पकौड़े खाने के लिए। पहली बार सही बात की है आपने, पुरानी हवेली। बेबी मुझे तो लग रहा है ये दोनों रॉकी से जल रहे हैं। लो वैसे जलने की बू तो आ रही है। अरे हम क्यों जलेंगे रॉकी से भाई, कारण क्या है? मेरे लिए क्या खन्ना नाम की तिल्ली कम थी जो रॉकी नाम की माचिस आ गई? बच्चों को ऐसा है, रॉकी से भी ज्यादा हट्टे कट्टे गुंडों को ऐसे तोड़ा है हमने। अच्छा? अरे ऐसे ही थोड़ा ही रंगबाजी है हमारी कानपुर में। ए गोबर बाबू, देखिए तुम्हारी रंगबाजी, समझे? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे थाने में एक आध हमारी भी जान पहचान का है, उससे सुने हैं तुम्हारे पूरे कच्चे चिट्ठे। कौन है बेबी? बेबी ये कौन है जो सरकारी सीक्रेट को बाहर लीक कर रहा है? अरे ऐसे उठवा लेंगे ऐसे। कसम नाना पाटेकर की, थाने से उठवा लेंगे, कहाँ रखेंगे, हमारे घर पे? अरे छोड़ ना बेबी, चल दम आलू बनाते हैं, जीजा खा कर जाएंगे ना। अरे क्यों नहीं भाई, भाई मटका भी जो है अप्रसन्न होता जा रहा है, अबे हमारे लिए बना रही हो तो खा के ही जाएंगे। वैसे बना तो रहे हम रॉकी के लिए, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा खा लेना। चलो भाभी। साढ़ू साहब, ये रॉकी को कहाँ से उठा के लाए हैं? उठवा भी तो नहीं सकते। अरे हम कहाँ लाए हैं साढ़ू साहब, अरे जब से वो आया है पूरा परिवार उन्हीं के गुण गा रहा है, हम तो जैसे हैं ही नहीं। लेकिन हम तो हैं ना। नहीं है, गलत फहमी है आपको। कैसे? दम आलू बन रहे हैं आपके लिए नहीं, रॉकी साहब के लिए। बात में तो दम है। यही तो कम है, और उसी से नाक में दम है। ठंडे ठंडे पानी से नहम। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो पूरा घर जिम बना हुआ है। वेरी गुड। अब बेटा कसरत कर रहे हैं? हाँ पापा। पापा मेरी बॉडी बढ़ गई ना, दो दिन में थोड़ी ना बनेगी, है ना पापा? हम रॉकी अंकल से पूछ लेंगे। अरे भग्गू बेटा, तू तो नहाने जा रहा था, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ पापा जी कि मैं कसरत करना शुरू कर दूँ, क्या है कि मोटापा भी बढ़ रहा है और आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे रहने दे बेटा, कोई नस वस खिंच जाएगी। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने आज तक कभी कसरत ही नहीं की। Once upon a time, भाई, भाई बहुत अच्छा हुआ। अरे आपने कहा ना आप पहले कसरत करते थे। एक मिनट रुकिए, चलिए पुशअप पोजीशन। हाँ कम ऑन, one how is shifting so fast? See, बगू बेटा,
तू भी प्राणायाम पे शिफ्ट कर जा। अरे दंड पेलने की तेरी उम्र नहीं है अब। डोंट चैलेंज मी, आई कैन डू लाइक रॉके। अरे मिश्रा, इन गुंडों को क्या मारे धू। हम भी तो उन्हीं को देखने के लिए जा रहे हैं बहाने से। अच्छा मिश्रा, कौन है ये? क्या मालूम? अरे वो तो कहा गया, चलो पूछते हैं। अब भगवान भैया, आपके यहाँ जो मेहमान आए हैं ये कौन है, मतलब कहाँ से आए हैं? एकदम साक्षात बजरंगबली के अवतार लगते हैं। अवतार? गुंडों से उन्होंने हमारी जान बचाई थी उस दिन। और दिखते भी कितने अच्छे हैं, हम तो छत से उन्हीं को देखते रहते हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? छत से दूसरों के मेहमानों को छुप छुप के देखती हो? अरे हम छुप छुप के कहाँ देखेंगे, हम तो खुलेआम देखते हैं। है? और मिश्राइन, मोटरसाइकिल पे वो क्या लगते हैं, एकदम हीरो। चौबे भैया, आप काहे नहीं मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं? कब तक ही खटारा को चलाइएगा? है क्या मिश्राइन, इनके लिए स्कूटर ही ठीक है, मोटरसाइकिल तो इनसे संभलेगा भी नहीं और जमेगा भी नहीं, रॉकी भैया की तरह। तुम क्यों हंस रहे हो? हम कहाँ हंस रहे हैं भगवान भैया? अरे तुम्हें नहीं बोल रहे हैं, चुप करो। ठीक है, समझ गए हम। जाओ दूध दो इनको। अरे हम तो आप ही के घर से लेने जा रहे हैं। ए रॉकी भैया। बोलो ना भाई, क्यों हंस रहे हो तुम? अरे तो तुम क्यों चिढ़ रहे हो भगवान दास? मैं कहाँ चिढ़ रहा हूँ? अरे तुम चिढ़े हुए लग रहे हो। मैं बिल्कुल चिढ़ा हुआ नहीं लग रहा हूँ। मैं क्यों चिढ़ूंगा उस रॉकी से? मेरा मतलब है किसी से भी मैं क्यों चिढ़ूंगा? किसी से चिढ़ना भी नहीं चाहिए भगवान दास। वैसे एक बात बताऊं भगवान दास, रॉकी अच्छा लड़का है, उसे देखकर मेरा भी बाइक चलाने का बहुत मन करता है। तो चलाओ ना। अरे वही तो समस्या है भगवान दास, यदि मैंने बाइक चलाई तो लोग जब देखेंगे कि बाइक हवा में चल रही है तो पूरे तुम्हारे मोहल्ले में हंगामा मच जाएगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें बाइक चलाना पसंद नहीं है क्या? पसंद है मुझे। तो इस स्कूटर को बेच करके बाइक ले लो भाई। आई थिंक आई विल डू, आई कैन एक्चुअली, आई डोंट नो। मैं चलता हूँ, आज मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। भगवान दास, बाइक धकेल रहे हो? जब चलानी नहीं आती तो खरीदी क्यों? मुझे बाइक चलानी आती है। तो धकेल क्यों रहे हो भाई? पेट्रोल बचा रहे हो। अरे पेट्रोल होगा इसमें तो बचाऊंगा रक्षी भाई, एक नंबर का कमीना है वो मनोहर। क्यों? अरे जब बाइक दी है तो पेट्रोल डलवा कर देना चाहिए, कब से धकेल रहा हूँ। जब बाइक तुमने ली है तो पेट्रोल तुम ही डलाओगे ना भगवान दास? बाइक मनोहर की है। तो तुम क्यों धकेल रहे हो? मनोहर धकेलेगा? और इससे लाख गुना अच्छा तो तुम्हारा स्कूटर है, कहाँ है वो? गैराज में है वो, मनोहर के पास, जो ठीक करने के लिए दिया हूँ। फिर से खराब हो गया? नहीं नहीं, ठीक है, पर थोड़ा और ठीक करवा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ उसमें बड़े वाले पहिए लगवा लूँ, लेकिन उसने मना कर दिया मनोहर ने। तब तक मैंने क्या किया, ये बाइक किराए पर लिया है 200 रुपया पर डे, ताकि मैं उस रॉकी को दिखा दूं कि हम भी बाइक चला सकते हैं। क्या ये तुम सही कर रहे हो भगवान दास? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो। मेरी अंतरात्मा तो ये कहती है कि मैं वो सारे काम कर सकता हूँ तो रॉकी कर सकता है, लेकिन ये बात बॉबी को समझ में नहीं आएगी। अब मैं बॉबी को दिखा दूंगा कि मैं सारे काम कर सकता हूँ और मैं रॉकी से बेहतर हूँ। बस दैट्स ऑल। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। कहावत सुनी तो थी, आज देख भी लिया। रॉकी, देखो कौन आया है। ओ बेबी, ये बॉबी का घर है, रॉकी का घर नहीं है। लेकिन हम तो रॉकी से मिलने आए हैं ना। लेकिन बेटा तुमने आने में थोड़ी देर कर दी, रॉकी तो निकल गया दुनिया से। निकले रॉकी के दुश्मन? जीजा क्या बोल रहे हो आप? अरे वो ट्रेनिंग सेंटर गया हुआ है। ओह नो। अरे जीजा जी, आज आप ऑफिस नहीं गए? अब वो मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। वही तो, तबीयत तो खराब होगी ना, 12 पराठे ठूस गए हैं सुबह सुबह। रॉकी से कंपटीशन करने चले थे। क्या जीजा जी, रॉकी से कंपटीशन? कसम सनी देओल की, रॉकी तो चैंपियन है, चैंपियन। बेबी रॉकी पुराण बहुत हो गया, बंद करो ये, ऐसे उठवा लेंगे उसको, ऐसे उठवा लेंगे। वही तो,
बेबी, जीजा को देखकर लगता है कि ये रॉकी से जलते हैं। अरे हाँ, वही तो, यही तो। खन्ना साहब को देखो, खन्ना। वो कभी किसी से नहीं जलते। वो भी बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खन्ना खन्ना, कभी तो बस किया करो। कभी खन्ना कभी रॉकी, तुम्हें सब लोग अपने पति से बेहतर ही लगते हैं। वो बेटा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या पुरानी हवेली, अब जो बेहतर है वो बेहतर है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वही तो, कसम दीपिका पादुकोण की, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उसे जलती हूँ। बेबी एक बात बताओ, अगर दीपिका हमारे साथ ऐसे 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 डांस करे तो जलोगी ना? देखिए जीजा, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमने कब रॉकी या खन्ना के साथ ऐसे 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 डांस किया है? अरे बॉबी, बात सिर्फ ऐसे 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 डांस करने की नहीं है, बात है अपने पति को परिवार को कैसे पेश करते हो दूसरों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इतना ह्यूमिलेशन कोई हद होती किसी चीज की? ऐसा है, अब मटके के साथ साथ हम पूरे प्रसन्न हो रहे हैं बस। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? अरे चीजा सुनिए, एक मिनट बॉबी। अरे बेबी क्या हो गया? हमारा मटका भी अप्रसन्न है। अरे सुनिए, रबर को इतना भी मत खींचो बॉबी कि टूट जाए। अरे सुनिए तो, भगवान भैया, भगवान भैया, रॉकी भैया कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? नहीं नहीं भैया, रॉकी भैया के लिए उत्तम क्वालिटी का पनीर और उत्तम क्वालिटी का मक्खन लाया था। क्यों, तुम्हारा जीजा लगता है वो जो उसे पनीर और मक्खन खिला रहे हो? पनीर मक्खन खिलाकर उसे सांड बनाना है क्या? नहीं भैया, रॉकी भैया ने उस दिन गुंडों से हमारी जान बचाई थी ना, तो हमारे चंदू पहलवान मिठाई की दुकान की तरफ से उनको एक सुप्रीम भेंट, मतलब गिफ्ट। क्यों बे मोटे, जब बॉबी ने तुम दोनों भाइयों को गुंडों से बचाया था तब तो तुमने एक गिलास लस्सी तक नहीं पिलाई हमें, और अब पनीर मक्खन खिला रहे हो उस रॉकी को? अरे चौबे भैया, ये मक्खन पनीर आपको देके क्या फायदा, आपको तो पचेगा भी नहीं। सारा कुछ तुम्हें ही पचता है क्या? चौबे भैया, चौबे भैया, अब पार्टी बदल ली, रॉकी भैया, रॉकी भैया, जिसको देखो वही रॉकी। रॉकी पहलवान है क्या वो? तुम मुझे नहीं जानते हो, पता है कॉलेज में कुश्ती का चैंपियन रहा हूं मैं। तुम भी हंस रहे हो? भगवान भैया, यहाँ सभी हंस रहे, अपने बात ही ऐसी की, पहलवान। तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, हटा यहाँ से, इलिटरेट पीपल। तुम भी हंस रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, यू डोंट बिलीव मी। अरे मैं कुश्ती का चैंपियन नहीं था, लेकिन मैं कबड्डी तो खेला हूँ, पकड़म पकड़ाई लुकम छिपाई तो खेलते ही थे ना। आई कैन प्रूव, मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं रॉकी से बेहतर हूँ। भगवान दास, तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। साबित करना पड़ता है, ये सब उल्लू हैं और ये सब मुझे लल्लू समझते हैं, इसलिए साबित करने की जरूरत है। मालूम नहीं है कैसे कैसे लोग रॉके। क्या हो रहा है भगवान भैया? नहीं हुआ कुछ नहीं है, अब होगा। क्या? तो तुम्हारे और मेरे बीच बॉक्सिंग का मुकाबला। क्या बात कर रहे हैं, बॉक्सिंग हम दोनों के बीच? आपने कभी बताया नहीं कि आपको भी बॉक्सिंग का शौक है। बॉक्सिंग तो हमारी रग रग में समाई हुई है। हो गया? बोलो, ये हंसने की बात नहीं है, आई एम सीरियस, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो भगवान दास? प्लीज मुझे रोको मत। अरे हम काहे रोकेंगे, आपका मुंह है, मुक्का मार मार के तुड़वा लीजिए। अरे शट अप, बोलो चैलेंज कबूल है? ये भी कोई पूछने की बात है भगवान भैया, खाने का मुकाबला हो चाहे बॉक्सिंग का, रॉकी आधी रात को भी तैयार है। आधी रात को नहीं, आज शाम को। डन, आई सी यू। सी रॉकी भैया, ये आपके लिए सुप्रीम हिट गिफ्ट। मजा आएगा आपको देखने के आज। ये तुमने क्या किया भगवान दास? क्या मैंने कुछ गलती की क्या? इधर आओ,
पूरे मोहल्ले के सामने पिटोगे? ये तो शाम को पता चलेगा कि कौन पिटेगा और कौन पीटेगा। भगवान भैया, ऐसे ये हाथियों हो गया, हमें ये सब नहीं आता है, हम सीधा देसी स्टाइल में ऐसे करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है? ओके ओके, ऑल द बेस्ट। अरे बग्गू बेटा, एक बार फिर से सोच लो, ये सूजा हुआ मुंह लेके दफ्तर कैसे जा पाओगे? सोच लिया पापा जी, पर आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? बेटा हम तो हिम्मत बढ़ा रहे हैं तुम्हारी। तो मेरे साथ होना? हम काय पिटने वाले के साथ होंगे? हम तो राकी के साथ हैं, राकी। तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। जाओ बे भैया। राकी, राकी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ भगवान दास। तो पहले दौर का मैच शुरू किया जाए। मान नहीं है। ठीक है भाई, पहली बार खेल रहे हैं, चलिए आइए। प्रथम दौर का मैच खत्म। प्रथम दौर के बाद रॉकी मुक्केबाज का पलड़ा भारी है। हम तेरे साथ हैं रॉकी। दूसरे राउंड का मैच शुरू। सालू साम उठिए, शक्कर की बोरी की तरह कब तक ऐसे पड़े रहेंगे, उठिए मारिए जरा। एक दो, आप ठीक तो है ना? अरे उठ जाइए ना। कोशिश तो कर रहा हूँ पर। खन्ना साहब को देखिए, वो तो कभी जमीन में गिरने के बाद इतनी देर नहीं लगाते उठने के लिए। उठो ना पापा। उठो भंगू बेटा। पांच, भगवान दास जी अब लड़ने के लिए तैयार हैं? यस। दूसरे राउंड का समय समाप्त हुआ। तो कुत्ते गली के वासियों, तीसरे राउंड का अहम मुकाबला शुरू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रॉकी अंकल, एक दो तीन।
मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भगवान दास भैया विजयी हुए। बहुत अच्छा खेले, बहुत बढ़िया। क्यों किया ऐसा? कहीं लग गई आपके? मैंने जानबूझ के नहीं मारा, आई एम सॉरी भाई। जानबूझ के क्यों हार गए? टेल मी। भगवान दास भैया, आप ना बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, और ये जो आपका खूबसूरत सा परिवार है ना, ये आपको अपना हीरो मानता है। अब आप ही बताइए कि मैं आपकी बेइज्जती करके इन सबको दुखी कैसे कर सकता? पर सच में आप बहुत अच्छा खेले। अरे भाई बेबी बॉबी, तुम्हारे पतिदेव ने इतनी धुलाई की है, अब तो सिकाई की जरूरत पड़ेगी। चलो जरा सिकाई तो कर दो। यही तो, आ जाओ। चाचा जी, वो तो ये कह लो सालू साहब ने बात संभाल ली, पर ना हम अकेले ही काफी थे इस रॉकी के लिए। आइए चलो। आप भी ना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? क्या जरूरत थी बॉक्सिंग करने की रॉकी के साथ? वो तो चैंपियन है। आपको आती है क्या बॉक्सिंग? पढ़े चले थे बॉक्सिंग बॉक्सिंग खेलने। मन तो कर रहा है कि गर्म पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। क्या बात है भगवान दास, जीत कर भी खुश नहीं हो? फिरकी ले रहे हो शिवाय, ये जानते हुए भी कि वो जानबूझकर हार रहा है। इसी को बड़प्पन कहते हैं भगवान दास। सी, आप अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्हाट आई वाज डूइंग, आई मीन क्या बचपना कर रहा था? श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, अति उत्तम, ये सारे शब्द तुम मनुष्यों ने अपने अहंकार के लिए बनाए, वरना हमने तो हर मनुष्य को अच्छा ही बनाया भगवान दास। तुम कहना क्या चाहते हो? जिस प्रकार हर चीज की अपनी एक खासियत होती है, उसी प्रकार हर मनुष्य की अपनी एक खासियत होती है। रॉकी की खासियत है कि वो ताकतवर है, बलवान है, और तुम्हारी खासियत है कि तुम एक सच्चे, अच्छे और नेक दिल मनुष्य हो। यदि तुम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करोगे तो तुम स्वयं की पहचान भी खो दोगे भगवान दास। मैं समझ गया शिवाय, मुझे माफ कर दो, I'm sorry। तो तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो भगवान दास, तुम ऐसे हो इसीलिए तो मेरे प्रिय हो। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, उधम बहुत मचाया तुमने अंदर। कैसा लड़ा मैं, कैसा? ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।